जब थाना प्रभारी से है यारी तो क्या करेगी जनता बेचारी। थाना पनकी बना अपराधियों का अड्डा, अब थाना पनकी को चला रहे क्षेत्र के नामचीन अपराधी। कानपुर थाना पनकी क्षेत्र के रहने वाले एक अपराधी का थाने के अंदर कुर्सी पर बैठकर फरियाद सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सरकार की ओर से जनता की फरियाद सुनने के लिए महीने में लाखों रुपए खर्च कर एक से एक तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं कानपुर के पनकी थाने में पुलिस कर्मियों की जगह अपराधी कुर्सी पर बैठकर फरियाद सुनते दिखाई पड़ रहे हैं। बताते चले कानपुर का थाना पनकी आए दिन चर्चा में बना रहता है। क्षेत्र में अपराधियों द्वारा आए दिन नए नए कारनामे करे जाते हैं, जिन पर कार्यवाही करना थाना प्रभारी के बस की बात नहीं दिखाई पड़ती है। वहीं इस वायरल वीडियो में क्षेत्र का एक नामी अपराधी कुर्सी पर बैठकर एक मामले की सुनवाई करता देखा जा सकता है। जानकारों की माने तो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम अशोक दुबे बताया जा रहा है। अशोक दुबे के ऊपर कानपुर के अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। अशोक दुबे पर कानपुर के अलग अलग थानों में 354, 294, 420, 308, NI एक्ट 138 जैसी धाराओं में करीब 15 मुकदमे दर्ज है। उसके बाद भी अशोक दुबे थाना पनकी परिषद में आए दिन घूमता टहलता देखा जा सकता है। राजनीतिक संरक्षण के कारण पनकी पुलिस अशोक दुबे के आगे पीछे घूमने का काम करती है। बीते कुछ माह पूर्व रतनपुर क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित परिवार ने अशोक दुबे के भतीजे पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार द्वारा उच्च अधिकारियों के दर पर गुहार भी लगाई गई। पर अशोक दुबे की पहुंच के आगे पीड़ित परिवार की आवाज दबके रह गई थी। अशोक दुबे और पनकी पुलिस के बीच की यारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की कुर्सी पर बैठकर अशोक दुबे फरियादियों की बात सुनते दिखाई पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की माने तो दर्जनों मुकदमे होने के बाद भी अशोक दुबे आज भी क्षेत्र में अपना भय और दहशत कायम करने का प्रयास करता रहता है। पनकी पुलिस की निष्क्रियता के चलते अशोक दुबे और उसके साथी आए दिन क्षेत्र में कोई न कोई आपराधिक घटना को अंजाम देते रहते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की नाकामी को दर्शाने वाले इस वीडियो को जिले के अधिकारियों द्वारा कितना संज्ञान में लिया जाता है। यह हर बार की तरह इस बार भी पनकी पुलिस अपने अधिकारियों को गुमराह कर पूरे मामले को हवा हवाई समझ कर नजरअंदाज कर देगी। RTI न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।